Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. As you know that we have started electrochemistry. In first lecture we have discussed about some basic terms which are important for understanding main and important topics of electrochemistry. आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले टॉपिक के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक. बेसिकली ये टॉपिक बड़ा आसान है लेकिन जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक हैं जैसे कि इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कैसे किया जाता है, और उसके बाद के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स, उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. तो उन तमाम लेक्चर्स के अंदर उन तमाम टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, रिडक्शन का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए. तो लिहाजा आने वाले टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है. बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं. एक को हम कहते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट या क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है. फर्स्ट आप ध्यान में रखिए, ओल्ड कॉन्सेप्ट या फिर हम इसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है. इस दोनों चीजों को आपने ध्यान में रखना है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट और ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है. इसको क्लासिकल कॉन्सेप्ट या ओल्ड कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं. बेसिकली जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जैसे स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, यानी कि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है. और जो चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक्सेप्टेंस और डोनेशन की बेस पर, यानी कि लॉस एंड गेन या एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेस पे ये कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है. इसमें एक पॉइंट आपने देखें, फर्स्ट अगर हम इसको लें कि कोई भी ऐसा रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो किसी भी सब्सटेंस में, कहीं पर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है. तो इसका पहला पॉइंट या पहली एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान में रखनी है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. मैंने आपको पहले कह दिया कि ये कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करता है. तो पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल देखो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाए, सल्फर ट्राइऑक्साइड. बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें, 2 हो जाएगा. तो आप देखें पहले यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद कितने हो गए, 3. इसका मतलब है इस रिएक्शन के दौरान जब ये रिएक्शन हुआ तो इस SO2 में एक ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, ज्यादा हो गया. तो इसका मतलब है इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे. इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे. सेम मैनर में कहीं पर अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. जैसे अगर एडिशन ऑक्सीडेशन है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा. तो कहीं पर अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखें, कार्बन डाइऑक्साइड ये डीकम्पोज होके क्या बनाए, कार्बन और ऑक्सीजन. अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड था, लेकिन रिएक्शन के बाद
ऑक्सीजन अलग कार्बन अलग, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो इट्स मीन इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपने जहन में रखना है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन, अगर रिमूव हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को हम ओल्ड कॉन्सेप्ट में लेते हैं, ठीक है। तो अब इसी के साथ दूसरी चीज, अगर हम हाइड्रोजन लें, ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि कहीं पर अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखें, हम ये कहें H2Cl2, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना दें, HCl। अब इस रिएक्शन के रिजल्ट में अगर आप देख रहे हो तो Cl के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, लिहाजा इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। एडिशन की बात और इसी तरह क्या हो जाएगा, रिमूवल, हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है वो, फॉर एग्जाम्पल NH3, इसको अगर हम देखें, हमें पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, या हम यहां पर रिवर्सिबल की नहीं बात कर रहे, हम जनरल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं जब ये डीकम्पोज हो तो क्या होगा, नाइट्रोजन अलग और हाइड्रोजन अलग। तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के रिजल्ट में ये हो रहा है, यहां पहले नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी कि रिमूव हो गया है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इट्स मीन यहाँ पे इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है या क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करता है, किसकी बेस पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिमूवल और एडिशन की बेस पे। तो सिंपल अल्फाज में आप याद रख लें कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, रिडक्शन, ठीक। अब हम आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट या न्यू कॉन्सेप्ट, या फिर हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरा है हमारे पास नंबर टू, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब आपके जहन में आ गया होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है, इसको समहाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, क्यों, कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे एक्सप्लेन करता है, कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो, वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहलाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है।
ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, कहीं पे किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एक रिएक्शन है सोडियम, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस में चला जाता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अब यहां पर इसके ऊपर चार्ज जीरो है, अब यहां पर क्या चार्ज है, प्लस वन। इस रिएक्शन के दौरान इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, लूज हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, तो हमने क्या कहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये आपने जहन में अच्छी तरह से रखना है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, उसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन कहोगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें Cl2, इसमें अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ले तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है कि जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाएगी, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अब आपने असल चीज याद रखनी है, हमने तीन चीजें ली या तीन बातें ली। पहली अगर आपने ध्यान में रखी हो, अगर आपको याद हो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अगर आपको याद है ओल्ड कॉन्सेप्ट में हमने क्या कहा, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट जरा ध्यान में रखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, अब तीसरा क्या है, हम क्या कह रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये तीन पैरामीटर्स होंगे ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के। इसी तरह तीन पैरामीटर यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीन पैरामीटर होंगे किसके, रिडक्शन के। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं पर अगर ये तीनों हो रहे हैं, तीनों में से एक हो रहा है या तीनों में से दो हो रहे हैं, कहीं पर भी इनमें से कोई एक पाया जाए, कोई से दो पाए जाए, कोई से तीनों पाए जाए, तो फिर भी हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहेंगे। सिर्फ तीनों का होना लाजमी नहीं है, एक भी हो तो फिर भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दो हो फिर भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो इन तीनों चीजों को आपने जहन में रखना है। बाद जाऊंगा तो कोई एक को लेके एक्सप्लेन किया जा रहा होता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लिहाजा आपने तीनों बातों को अपने जहन में रखना है ताकि आने वाले टॉपिक्स में आपको ये बात कंफ्यूज ना करें। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, वी विल मीट यू वंस अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू वेरी मच।